किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस राजनीति चमकाने में जुटी है। कभी कृषि विधेयक का समर्थन करने वाली कांग्रेस आज विपक्ष में बैठते ही कृषि विधेयक का विरोध कर रही है। बीते दिनों भी भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया था, वही कांग्रेस शासित राज्यों में विधेयक का जमकर विरोध हो रहा है और कांग्रेसियों द्वारा किसानों को भड़काने की भी कोशिश हो रही है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें किसान कम और कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता ज्यादा विरोध कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस को किसान आंदोलन और भारत बंद पर राजनीति करना महंगा पड़ गया। कांग्रेस नेता और मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को किसानों ने खदेड़ दिया। दरअसल बीते दिनों भारत बंद के दौरान किसानों ने कैथल जिले की तितरम मोड़ पर जाम लगाया था, तभी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला वहां पहुंचे और समर्थन का ऐलान करते हुए किसानों के धरने के बीच बैठ गए। कुछ किसानों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने सुरजेवाला की हूटिंग शुरू कर दी। इस पर सुरजेवाला को वहां से निकलना पड़ा। इस दौरान मौजूद पुलिस ने सुरजेवाला को अपनी सुरक्षा में लेकर गाड़ी तक पहुंचाया। इसके बाद वो धरना स्थल से निकल गए। हरियाणा में भारत बंद का इनेलो और कांग्रेस ने समर्थन किया था, हालांकि विपक्षी दलों के समर्थन के बावजूद किसी भी राज्य में भारत बंद का असर नहीं दिखा। वहीं बीती रात भी किसान संगठन के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही किसान राजनीति से प्रेरित इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तनातनी का असर दिखने लगा है। कांग्रेस को स्थानीय चुनाव में झटके लगने शुरू हो गए हैं। 21 जिलों के निकाय चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है, जबकि कांग्रेसियों के गढ़ में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। इन चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं और अब तक जिला परिषद सदस्यों के घोषित नतीजों के मुताबिक बीजेपी कुल 14 जिलों में बोर्ड बनाने की स्थिति में आ चुकी है, जबकि कांग्रेस का सिर्फ 5 जिलों में बोर्ड बनता दिख रहा है। जिला परिषद की कुल 636 सीटों के लिए चुनाव हुए और बीजेपी 323, कांग्रेस 246 सीटें जीत चुकी है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव के अब तक घोषित नतीजों से साफ है कि ग्रामीण इलाकों में कमल कांग्रेस के पंजे पर भारी पड़ रहा है। कुल 4371 सीटों में से बीजेपी को 1836 और कांग्रेस को 1718 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस की गहलोत सरकार के मंत्री रघु शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, खेल मंत्री अशोक चांदना और सीएम अशोक गहलोत के खास सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भी कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके और इनके इलाकों में बीजेपी का भगवा झंडा लहरा गया। कांग्रेस की सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया की सास और देवरानी दोनों ही उनके इलाके से पंचायत समिति का चुनाव हार गई है। निकाय चुनाव में मिली हार से साफ है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी इशारों में कहा था कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। दरअसल उन्होंने बीजेपी के बहाने सचिन पायलट पर भी निशाना साधा था। हालांकि गहलोत के बयान के बावजूद पायलट ने चुप्पी नहीं तोड़ी। वहीं निकाय चुनाव में मिली हार से साफ हो गया है कि लोगों को अब गहलोत पर भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। कभी आम आदमी पार्टी में शामिल होकर राजनीति में करियर बनाने निकले वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष राजनीति में तो फेल हो गए, लेकिन अभी भी न्यूज चैनल पर पैनलिस्ट बनकर राजनीति ही करते हैं। आशुतोष के बातों से कभी नहीं लगता कि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार फिर उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार होते हुए आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट किया गया है। इस पर आशुतोष ने केंद्र सरकार पर चुटकी ली है। ट्वीट पोस्ट करते हुए आशुतोष ने लिखा है कि मुख्यमंत्री से ही खतरा, वाह रे वाह, गजब है सरकार। आशुतोष के इस ट्वीट के बाद लोगों ने आशुतोष को ही निशाने पर ले लिया है। एक यूजर ने लिखा है कि बेचारा दिल्ली वासियों पर 2000 का चालान लगाएंगे, वहां पर कुछ बोला नहीं जाता, बिना मास्क के वहां पर किसान बैठे हैं, कितना कोरोना फैल रहा है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी करेंगे। एक दूसरी यूजर ने लिखा कि आशुतोष जी कभी तो सत्य बोल दिया करो, पता नहीं आपको झूठ बोलने की कुछ आदत ही पड़ गई है। मुख्यमंत्री को कौन नजरबंद कर सकता है, ये केवल राजनीति है। दरअसल आप पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस किसी भी शख्स को केजरीवाल के घर न आने दे रही है, न किसी को बाहर जाने दे रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी कर साफ किया है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी अफवाह फैलाने में जुटी है। वहीं अब इसमें पूर्व आप नेता आशुतोष भी शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान से कांग्रेस अभी भी नाराज है। कांग्रेस की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों कांग्रेस ने धमकी देते हुए पवार को चेतावनी दी थी कि उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। इसके बाद मामला बढ़ता देख शिवसेना भी इसमें कूद गई और मामले को रफा दफा कराने में लगी रही है।
वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा कि वरिष्ठ नेता शरद पवार राहुल गांधी को नहीं समझ सके। पवार के उलट थोराट ने राहुल गांधी की तारीफ की पुल बांधे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत समस्याओं से पार पाते हुए उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया। थोराट ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस में स्वीकारता है और उनके नेतृत्व में पार्टी संगठित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की कुछ मशीनरी राहुल गांधी को निशाना बनाती रही है। थोराट ने कहा कि राहुल गांधी जी सफलतापूर्वक हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। थोराट के हालिया बयानों से साफ है कि कांग्रेस ने पवार के बयान को उचित नहीं माना है। इससे पहले भी राज्य सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता यशोमती ठाकुर ने कहा कि एमवीए के सहयोगियों को कांग्रेस नेतृत्व पर टिप्पणी बंद करना चाहिए अगर वो राज्य में स्थायी सरकार चाहते हैं। दरअसल पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष में निरंतरता की कमी है, जिसके बाद से ही कांग्रेस एनसीपी से नाराज है। हालांकि पवार के बयान पर एनसीपी ने भी सफाई दी है, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी दूर नहीं हुई है। वहीं इससे पहले भी चीन को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर पवार ने राहुल गांधी को आईना दिखाया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि हम नहीं बोल सकते कि 1962 में क्या हुआ था। महाराष्ट्र में जब से एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हुआ है, मतभेद की खबरें आती रहती हैं। हालांकि मतभेद के बावजूद महाविकास अघाड़ी गठबंधन अभी भी टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी और मुंबई पुलिस एक बार फिर आमने सामने हैं। अर्णब पिछले कई महीनों से मुंबई पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि इसका खामियाजा भी अर्णब गोस्वामी भुगत चुके हैं। मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार के खिलाफ बोलने के एवज में अर्णब पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। पहले एक टीआरपी रैकेट में अर्णब को फंसाने की कोशिश की गई है। उस मामले में अर्णब और उनका चैनल रिपब्लिक टीवी बच निकला तो अर्णब को अचानक एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और अर्णब जमानत पर है। अब अर्णब ने मुंबई पुलिस पर एक और संगीन आरोप लगाया है। अर्णब गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कथित टीआरपी घोटाला मामले में जांच बंद करवाने की गुहार लगाई है। अर्णब का कहना है कि मुंबई पुलिस उनके कर्मचारियों के खिलाफ बदसलूकी कर रही है। एप्लीकेशन में ये भी कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह को हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। अर्णब गोस्वामी ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि मुंबई पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। गोस्वामी ने कहा कि इस जांच को बंद कर देना चाहिए क्योंकि सारे आरोप निराधार हैं। इस जांच का इस्तेमाल करके पुलिस रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों को परेशान करने का काम कर रही है। वहीं रिपब्लिक टीवी और कर्मचारियों पर की गई एफआईआर को रद्द करने की अर्जी अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है। आपको बता दें कि टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया है। हालांकि अर्णब और उनके चैनल पर जो मुंबई पुलिस ने आरोप लगाए हैं, इतने दिनों बाद भी पुलिस आरोपों को साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट टीआरपी मामले की जांच को बंद करने का आदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।